मकर संक्रांति का त्यौहार सभी के लिए खुशियां लेकर आता है, सब खुशी से पतंग उड़ाते हैं, लेकिन कुराड़ी महातुला में घटी यह घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है। जहां कटी हुई पतंग पकड़ने के प्रयास में एक बालक नहर में डूब गया, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल कटी हुई पतंग पकड़ने के प्रयास में एक बालक नहर में डूब गया। यह हादसा कुराड़ी के महातुला में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे के दरमियान हुई है। मृतक बालक 8 वर्षीय दयाशंकर अवधेश प्रजापति हैं। दयाशंकर के पिता अवधेश प्रजापति मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। बुधवार के दोपहर 2 बजे दयाशंकर अपने 12 वर्षीय भाई कैलाश के साथ महातुला परिसर की नहर के पास पतंगबाजी कर रहा था। इसी दौरान दोनों की नजर कटी हुई पतंग पर गई। दोनों आसमान की ओर देखते हुए पतंग के पीछे दौड़ने लगे। पतंग पकड़ने की धुन में दयाशंकर नहर में गिर गया। नहर में गिरते ही वह बचाव का शोर मचाने लगा। उसे बचाने के लिए कैलाश ने भी नहर में छलांग लगा दी, वो भी डूबने लगा। इसी दौरान मार्ग से गुजर रहे लोग मदद के लिए दौड़े। उन्होंने कैलाश को नहर से बाहर निकाल लिया, लेकिन दयाशंकर का कोई पता नहीं चल पाया। नागरिकों ने पुलिस को सूचना दी। कुराड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सिंचाई विभाग को सूचना देकर नहर में पानी का प्रवाह कम करने को कहा। गोताखोरों की मदद से दयाशंकर की खोजबीन की गई। अंधेरा होने से बचाव कार्य बंद कर दिया गया। गुरुवार सुबह दोबारा बचाव कार्य आरंभ किया गया, जिसके बाद आज सुबह लगभग 11 बजे मृतक का शव बरामद किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।